अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि अक्सर औकात इस तरह होता है कि आप अपने मोबाइल की बैटरी को ओवरचार्ज कर पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं, जिसकी मदद से आपका जो मोबाइल की बैटरी बैकअप वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। अब आइंदा से इस तरह नहीं होगा। जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से किया हुआ है तो आपने इसे बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये वॉलपेपर नजर आ रहा होगा, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो अगर आप ये वॉलपेपर अपने मोबाइल पे लगाना चाहते हैं या इस तरह के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में लगाना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, वो जाके देखो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो लाजमी से वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी बैटरी बचाने के लिए, फुल बैटरी। इस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिंपल जाके डाउनलोड कर लो, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल आपने यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड ऑन सेटिंग, वेक लॉक, डिसेबल स्क्रीन, हमने इसकी और जरूरत ही नहीं है। सिंपल हमारी जरूरत है फुल बैटरी लेवल। आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे 90% बैटरी होगी जब आपकी चार्जिंग पे लगी होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके मोबाइल की बैटरी फुल हो चुकी है। लो बैटरी लेवल आपने 20% से इसको नीचे नहीं जाने देना। जैसे आप 20% से नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपके मोबाइल की बैटरी लो होगी, अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा लें। यहाँ पे आ जाएगा बैटरी टेम्परेचर वार्निंग लेवल, आपने इसको यहाँ पे 30% या आपने इसको कर देना है यहाँ से 40% से या 40% तक या 35% तक कर लें। जैसे 35 सेल्सियस होगा आपके मोबाइल का टेम्परेचर तो आपको वार्निंग दे दी जाएगी कि आप अपने मोबाइल को जो टेम्परेचर उसको ठीक कर लें, फिर मोबाइल को बाद में यूज़ कीजिएगा। वैसे भी हार्मफुल होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो आपकी स्किन को भी ज़्यादा मसला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑटो इनेबल थेफ्ट अलार्म आपने इसको ऑन कर लेना, सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इनेबल ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद कीप एप्लीकेशन लॉग्स आपने इस पर क्लिक कर देना है। बैकअप की जरूरत नहीं है। अब आपने अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन जो होंगी वो ऑन होगी, आपने इसको ओके कर देना है। ये देखना है थेफ्ट अलार्म भी है, और यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करूंगा आपने पासवर्ड सेट करना है। जैसे सेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया, आप जो मर्जी रख सकते हैं। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, यस करूंगा। जैसे मैंने यस किया तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके अब ये जो थेफ्ट अलार्म है वो मेरे मोबाइल पे सेट हो चुका है। जैसे अब मैं अपने जो चार्जिंग पोर्ट को ये देख सकते हैं, ये कोई एक जीमेल कह रहा है कि आप कोई सिलेक्ट कर ले, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये भी सेट हो चुका है, वैलिडेट पासवर्ड ये भी ऑन हो चुका है। रिकवरी पासवर्ड है कि अगर आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड तो आप ये जीमेल लगा के अपने जो पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड हैज बीन सेंट हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, दो बार आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पे थेफ्ट अलार्म को भी हम ऑन कर लेते हैं। जैसे मैं अब मोबाइल के चार्जिंग पिन को उतारूंगा तो यहाँ पे अलार्म बोलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं इस तरह आपका अलार्म बोलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता लग जाएगा कि कोई किसी ने आपके मोबाइल को यहाँ पे, जब तक मैं पासवर्ड नहीं लगाऊंगा तब तक ये नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 करूंगा तो ये पासवर्ड लगाया तो ये अलार्म बोलना बंद हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से अब कोई भी आपके मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट को जैसे उतारेगा तो वो एकदम हैरान रह जाएगा, ये क्या हो गया। तो वो आपके मोबाइल को के दोबारा चार्जिंग पे लगा देगा या फिर आपको पता लगेगा कि इस बंदे ने मेरे मोबाइल को चार्जिंग को उतारा है या फिर कुछ छेड़छाड़ किया मेरे मोबाइल से। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।